यहाँ पर मैं आपको जो मेरा दूसरे खरगोश है फैंसी, वो मैंने पाले हुए हैं उनका देखते हैं। ये नीचे आके हमें बड़े तंग करते हैं, सोफे पे बैठते हैं, बेड पे आके चढ़ते हैं। ये इनकी ख़ूबी है कि ये पेशाब वगैरह नहीं करते, ये ऊपर जो मेरे छत पे जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ आके मैंगियाँ भी करते हैं और वॉशरूम यहाँ ही करते हैं। लेकिन कभी कभी आके हमें बड़ा तंग कर देते हैं। सुबह सुबह ये आके हमारा दरवाज़ा नॉक कर रहे होते हैं कि दरवाज़ा खोलो, और फिर उसके बाद जाते ही नहीं है। किचन में भी रहते हैं हमारे साथ, तो जब हम इनसे बड़े तंग आ जाते हैं तो ले आता हूँ मैं उनको, ऊपर बंद कर देते हैं, पेटी ऊपर रख देता हूँ। ये वाइट अंगूरा है, इसको वाइट अंगूरा बोलते हैं। ये फीमेल है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ, रेड आइज़ होती हैं इनकी, और ये दूसरा मेल है। ये मैं छोटे बच्चे लाया था इसलिए हमारे साथ आज ही हो गए हैं। ये देखिए इनकी हरकतें। तो इधर ये बड़ा मस्ती करता है, और ये जो है फीमेल, ये बड़ा सही है, इसको मानूस हो जाता है। दिखा व्यूअर्स को, दिखाओ अपना, आप सलाम कर, सलाम कर। आज इसने कुछ खाया नहीं है, हर वक्त खाते रहते हैं, हर वक्त। ये जितना मर्ज़ी खुराक इनके सामने रख दो, इनका काम है खाना। और जब वो खाते खाते थक जाते हैं तो फिर थकने के बाद आराम करते हैं ताकि इनका मुंह थोड़ा सा रेस्ट करे। रेस्ट करने के बाद फिर खाने पर लग जाते हैं। कोई और काम नहीं है तेरा, हाँ और कोई काम नहीं? आंख दिखा, क्या हो गया इसको, नींद आ गई? इधर आ, ये देखिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये इनके पोर सिर्फ इनके कानों में होते हैं, यहाँ से इनका पसीना निकलता है, अदरवाइज़ इनकी पूरी बॉडी पैक होती है, वहाँ से पसीना नहीं निकलता, इसलिए इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सर्दी में भी बाहर आपको मिलेंगे सहन में, खुले आसमान के नीचे खुश होते हैं। और ये इसके ऊपर जो बाल है वो मैं ऐसे निकालता हूँ, ये बिल्कुल रुई है, जिस तरह धागा होता है ना, इसको मैं ऐसे मरोड़ता हूँ, ये बिल्कुल, ये देखिए ये धागे की तरह बन गया है, ये देखिए। तो दूसरे ये जो इसके बाल है वो सिल्की टाइप होते हैं, इसकी मूंछें हैं, और बाकी जो इसकी है वो रुई की तरह बिल्कुल नरम होता है ये। इधर आ व्यूअर्स को बता, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, खुश हो ना कि नहीं? मैं तुम्हें भेज दे, बात कर इधर। हाँ ये आज चल तू बात कर। इन जो काम है हर वक्त सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं। यह कोई इनकी आवाज़ वगैरह नहीं होती।